हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ दे दे प्यार दे के बारे में। 4 दिन की ऑक्यूपेंसी बताऊंगा और 3 दिन का कलेक्शंस बताऊंगा। यानी कि एक चीज तो यहाँ पर साफ हो चुकी है कि हमारे हिसाब से कलेक्शंस नहीं जा रहे हैं। इसे कई सारे रीजन है। सबसे पहले तो इलेक्शंस भी कल था, तो कल का जो ड्रॉप है वो लाजमी भी है, लेकिन ओवरऑल भी ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लेक्सेस की ऑडियंस इस फिल्म को ज्यादा सपोर्ट दे पा रही है, लेकिन सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस थोड़ी बहुत बचते खुचते नजर आ रही है। यानी कि वो रिस्पॉन्स जो सिंगल स्क्रीन पर अजय देवगन का देखने को मिल रहा था, वैसे आई थिंक थोड़ा सा कम है इस फिल्म के लिए अगर बात की जाए। तो चलिए बात करते हैं कलेक्शंस की। फर्स्ट डे कलेक्शन था 10.41 करोड़, यानी कि 10.41 करोड़। दूसरे दिन का कलेक्शन आया था 13.39 करोड़, यानी कि 13.40 करोड़ के आसपास समझ लो, मतलब 13.5 करोड़ पकड़ लो सीधा सीधा। अब थर्ड डे का जो कलेक्शन आया है वो आया है 14.54 करोड़, जी हाँ 14.54 करोड़। और इसके साथ ही जो टोटल हुआ है वो टोटल आया है 38.54 करोड़, जी हाँ 38.54 करोड़ इसका टोटल आया है, यानी 38.5 करोड़ आप पकड़ लीजिए। ये कलेक्शंस आई थिंक जो मैं इस हिसाब से सोच रहा था उस हिसाब से ना 3 दिनों में 40 करोड़ होने चाहिए थे, बट स्टिल ज्यादा आगे पीछे नहीं है। अब वीकडेज आ चुका है आज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। और यहाँ पे एक और चीज बता दूं, आज का जो ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग शोज की नजर आ रही है वो करीबन 14-15% के आसपास नजर आ रही है। और ऑक्यूपेंसी अगर बेहतर होती है दोपहर में तो ठीक है, अदरवाइज कलेक्शंस काफी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि फिल्म आगे भी चलेगी, वीकडेज में भी बेहतर चलेगी, क्योंकि फिल्म को जो क्रिटिक्स ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अब ओवरऑल देखने वाली बात है कि जनता जनार्दन इस फिल्म को किस तरह से प्यार देती है। अब इलेक्शंस नहीं, कुछ नहीं है और सिर्फ रोजा है लोगों का, तो वो एक ऑडियंस है मतलब जो जिसका रोजा ज्यादा वो नहीं देख रहे, तो वो भी एक रीजन है आई थिंक। एनीवेज आपको क्या लगता है इस पूरी खबर के बारे में, जो बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।